नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, हल्दी, टमाटर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जसदन मंडी में 125 रुपए लुढ़क कर 7000 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। औरैया मंडी में 7560 रुपए रहा अरहर का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को जसदन और कानपुर मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि औरैया मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एपीटा के मुताबिक देश से होने वाला कुल दालों का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं इस साल दलहन की कुल पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अरहर की कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जसदन और कानपुर मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि औरैया मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 21 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 7125 रुपए, 22 अप्रैल को इसके भाव में 125 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7000 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की औरैया मंडी में बीते दो दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 21 और 22 अप्रैल को अरहर 7560 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे इस दौरान गिरावट के साथ हुए। यहां 21 अप्रैल को अरहर का भाव था 7520 रुपए, 22 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7510 रुपए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीटा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार के जानकार साल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। साल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम दलहन पैक में अरहर की खास तौर पर आपसे बात करना चाहेंगे। इसके भाव में हम देख रहे हैं कहीं नरमी तो कहीं तेजी है, कुल मिलाकर स्थिति जो है बाजार में वो कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमने देखा कि अरहर के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ज्यादातर मंडियों में या तो भाव स्थिर रहे, ये एक आंशिक बिकवाली के साथ ही कारोबार हुआ। इसकी मुख्य वजह यही थी कि गत सप्ताह में हमने देखा कि इसकी जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल को देखते हैं तो उत्पादन काफी ज्यादा अच्छा हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर निर्यात को भी देखते हैं तो उसमें भी 5 से 7% तक की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी जी, ऐसे में जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है और बिकवाली की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी 300 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तो अरहर के भाव में तेजी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। साहिल जी, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। रोड मंडी में 65 रुपए चढ़ा बल्ब हल्दी का भाव, 13 लाख टन के पार जा सकती है हल्दी की पैदावार।
इस साल 139 लाख टन हो सकती है खरीफ सोयाबीन की उपज। जयपुर मंडी में 5,250 रुपए पर बिकी सोयाबीन। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को तमिलनाडु की इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो आज तमिलनाडु की रोड मंडी में हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एग्रीमार्केट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 21 अप्रैल को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,760 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में 65 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 5,825 रुपए पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली। इरोड मंडी में 22 अप्रैल को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,532 रुपए। 22 अप्रैल को इसके सौदे 338 रुपए उछलकर 6,870 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 183,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 153,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, जानना चाहेंगे कि हल्दी के बाजार में किस तरह से संकेत आपको मिल रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, क्या अनुमान है आपका, भाव कैसे रहेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हल्दी के उत्पादन में जो है हमें पिछले वर्ष जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहीं अगर हम इसकी घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो घरेलू मांग में भी लगभग जो है 5-7% तक का हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। यहीं अगर हम निर्यात की स्थिति को देखते हैं तो पिछले वर्ष जो है निर्यात जो है इसका 15% तक घटा था, लेकिन इस वर्ष इसके निर्यात में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसकी निर्यात मांग में भी लगभग जो है लगभग 5-7% तक का सुधार की पूरी उम्मीद है। जी, तो ऐसे स्थिति में अगर भाव अच्छे चलने की संभावना नजर आ रही है तो किसान बिकवाली कब करे, कब उन्हें अच्छे भाव मिलेंगे, आप क्या सलाह देंगे उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें ये तेजी 150-200 रुपए क्विंटल तक हमें आते हुए दिखाई दे। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 300-350 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो हल्दी के किसानों के लिए ये अच्छी बात है कि आने वाले समय में इसके जो भाव है उसमें तेजी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे सीजन आता जाएगा, मांग निकलती जाएगी, भाव में तेजी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे 5,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की बात की जाए तो यहां पर सेब का भाव रहा 7,340 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में मोटे अनाजों में शामिल बाजरे की बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं रागी के बाजार का क्या है हाल। इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रखी थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को न के बराबर आवक मंडियों में देखने को मिली। इसकी बुआई की बात करें तो रबी रागी की बुआई इस साल बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए अब रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, अब रागी की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है काफी ज्यादा कमजोर बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं गत 6 महीने से ही मंडियों के अंदर आवक जो है सुस्त बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसकी मांग को भी देखते हैं तो लगातार हम मंथ मंथ वाइज भी देखते हैं तो लगभग हमें 2-4% तक की गिरावट हर मंथ में हमें देखने को मिल रही है। निर्यात की स्थिति में भी जो है हमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो नरमी का रुख है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, तो क्या ऐसी स्थिति में किसान बिकवाली करके निकल जाए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है कि ये नरमी हमें 50-70 रुपए क्विंटल तक हमें देखने को मिले, और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा और इसी तरीके से अगर कमजोर मांग रहती है बाजार में तो ये कमजोरी जो है 100-150 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। तो रागी के जो किसान है वो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि भाव में गिरावट का अंदेशा नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको जौ के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। शुरुआत करते हैं राजस्थान की गोलूवाला मंडी से, जहां जौ का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात अगर करें सूरजगढ़ मंडी की तो यहां पर सौदे 1,900 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,170 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर है। जहाँ तो जौ के हाजिर भाव पर भी हमने नजर डाली, अब आगे बढ़ते हैं और बाजरे की स्थिति के बारे में जानते हैं। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527,26,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16,25,000 टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बात करें तो इसकी आवक पर अगर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाल लेते हैं। 22 अप्रैल को एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही जसदन मंडी में भी सौदे 2,000 रुपए में हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां बाजरा 2,750 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 1,905 रुपए पर हुए।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, ज्वार के हाजिर भाव देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करते हैं, यहां पर लाल ज्वार का भाव रहा 2620 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 4950 रुपए। तो गुजरात की जसदन मंडी में ज्वार के सौदे 4000 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसके साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन और टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तब मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है? इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। 22 अप्रैल को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में शनिवार को सोयाबीन का भाव रहा 5250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 4920 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की जो पैदावार है वो 410.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की अगर करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब खासतौर पर तिलहनी फसल सोयाबीन की बात करें तो इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सोयाबीन के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि उत्पादन में जो है रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण यही था कि पिछले वर्ष जो अच्छा मानसून आया और अनुकूल वातावरण के कारण एक उच्च क्वालिटी की जो है फसल पैदावार हुई है। उसी के कारण जो है घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं इसके जो भाव है उसको लगातार हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी जो मांग है उसमें भी लगभग जो है 7-10% तक का हमें इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है लगातार जो है हमें सोयाबीन के अंदर तेजी दिख रही है और आने वाले समय में ये तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो किसान इस तेजी का लाभ कैसे उठाए, किस समय भाव सबसे अच्छे रहेंगे और कब बिकवाली करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें चालू सीजन में देखने को मिलेगी और जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी 70 से 100 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे साहिल जी। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और चने के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या भाव रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चने का भाव रहा 4350 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे
मंडी में सौदे 5,600 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव रहा 5,730 रुपए। ये तो बात हुई चने की, जान लेते हैं उड़द के भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,450 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं फैजाबाद मंडी में भाव रहा 7,950 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर भाव 8,200 रुपए दर्ज किए गए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं हल्दी की, शनिवार को माफ कीजिएगा आखिर में बात करते हैं टमाटर की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की सोनीपत मंडी में टमाटर का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 650 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में टमाटर के सौदे 470 रुपए पर हुए। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। आइए रुक करें कमोडिटी एक्सपर्ट का, साहिल जी टमाटर के भाव के बारे में बताएं, क्या लग रहा है आने वाले समय में भाव कैसे रहेंगे इसके? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले हमें 6 महीने के अंदर काफी गिरावट हमें इसके भावों में देखने को मिली है। लेकिन अभी अगर हम चालू सीजन की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ी है तो इसके कारण ऐसा लग रहा है कि कुछ जो इसकी फसल है लगभग 10-15% तक जो है इसकी उपज जो है हमें इस गर्मी के कारण जो है डैमेज होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 15-20% तक जो है इजाफा होने की उम्मीद है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में के अंदर जो है टमाटरों के अंदर जो है अच्छी खासी तेजी आ सकती है। बिल्कुल, ऐसे में चलते चलते किसानों के लिए कोई खास सलाह? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जिस तरीके से चालू सीजन में डिमांड की उम्मीद जताई जा रही है, लगभग 15-20% तक जो घरेलू मांग है उसमें तेजी आएगी और उत्पादन उस क्षमता पे नहीं है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टमाटर के अंदर लगभग जो है 150-250 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। जी साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।